स्वागत है आप सबका मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तर प्रदेश के 19th एपिसोड में। कुछ रोज़मर्रा की झलकियां आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेंगी, गांव के लोगों के जीवन के छोटे छोटे काम, खान पान, उनके पशु और उनकी देखभाल जैसे कि पानी पिलाना, ये सब आप इस एपिसोड में देखेंगे। आज ही मैं निकलूँगा अपने चंडीगढ़ के 200 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग के सफ़र पर, तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। खेल पता से होता है, खेल पता से थोड़ा होता है। हाँ, लड्डू के बाद नंबर आएगा। बस खींच पीने आऊँगा फिर। अच्छा, दो चार और ये पाँच, तो दो महीने बाद, चार महीने बाद, पाँच महीने बाद। सही है, तीन बार खींच पीने को मिलेगा मेरे को। बलम कितने वाली है भाई? कपड़े नु थोड़ा ना लेके पैड को पहनेंगे, नवे लेंगे। हाँ तो नवे मामा जी, प्लाजो है, प्लाफ पजामा नहीं है। आओ आओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ। मेरा हाथ खा रही है तू। अब इसको भी चाहिए पानी पीना कैंसिल। नाराज हो गई, नाराज हो गई, पहले क्यों नहीं दे रहे? सूंग रही है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बजे का टाइम है और अभी 15 मिनट पहले मैं घर से निकला। अब जा रहा हूँ चंडीगढ़, करीब करीब 200 किलोमीटर का ट्रैवल है आज का मेरा। पिछली बार मैं घर से निकला था 8:30 बजे, आज निकला हूँ 7:15, तो ये जो 1.25 घंटे का मार्जिन है ये मुझे हेल्प करेगा खुद को रिलैक्स रखने में और ज़्यादा इन्जॉय करते हुए साइकिलिंग करने में। एकदम चिल माइंड के साथ मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, एकदम ताज़ी शुद्ध हवा, कोई पोल्यूशन की मिलावट नहीं। फेफड़े मुझे थैंक यू कह रहे होंगे और ये कमाल का है, शानदार है। इन हरे भरे खेतों के बीच ये छोटी सी लहरा कर चलती हुई सड़क जिसमें बहुत सारे मोड़ हैं, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। सच कहूँ दोस्तों तो ये कमाल की फीलिंग है। ये देखिए सामने पीले सरसों के खेत और वो दूर एक वॉल बाउंड्री जैसा बनाते हुए पॉपुलर के पेड़। ये वो ट्यूबवेल जिसकी यहाँ बहुत ज़रूरत होती है खेतों को सिंचाई करने के लिए। ये कमाल का है सब कुछ। कल बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी और इस वजह से 7 बजे भी यहाँ ऐसा है जैसे सुबह के 6 बजे हों। अच्छी बात है कि धुंध नहीं है, पिछले कई दिनों से मैं सुबह
हमेशा अपना ट्रैवल लेट स्टार्ट करता था धुंध की वजह से, आज ऐसा है नहीं, ये बहुत अच्छा है। देखिए कितनी खूबसूरत नहर है, वाह क्या नज़ारा है, देखिए दूर तक जाती हुई ये खूबसूरत नहर, पंछियों की आवाज़ और मेरे बिल्कुल सामने वो वहाँ एक गांव, और देखिए इस तरफ से नहर आती है और जाती है इस तरफ से, और मैं खड़ा हूँ इस रास्ते में। चलिए बढ़ते हैं आगे। गांव की ये जिंदगी देखिए किस तरह से सुबह शुरू होती है। ये मेरे सामने रात भर इनके जानवरों ने, मवेशियों ने जो गोबर किया उसको उठाकर बाहर कुल्ली पे डालते हुए, और ये लोग जो यहाँ दिख रहे हैं आपको ये आग सेक रहे हैं। एक डॉग है वो अलग ही बैठा है आग सेक रहा है। ये है विलेज लाइफ, देखिए ये देखिए आग जलाकर खुद को गर्मी देते हुए। मुझे लगता है उतनी ठंड है नहीं कि आग जलाने की जरूरत पड़े, आप बिस्तर में बैठेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लोग जो गांव के लोग हैं वो बाहर निकलते हैं धूप में, मतलब ठंड में भी, और ऐसे ही आग जलाकर पैकते हैं। ये पुराना सा एक दस्तूर सा है, इसे हम पूर कहते हैं, पूर पे बैठ के सीखना। ये है गांव का एक स्कूल इस तरफ, और देखिए सब जगह आपको पक्के घर नजर आ रहे होंगे। मैं अपने पहले बड़े शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, वहाँ से मुझे नदी के किनारे किनारे चलकर उस हाईवे पर कनेक्ट होना है जो मुझे सहारनपुर बाईपास लेकर जाएगा। ये कपास की खेती, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग में डेड बॉडीज को जलाया जाता है, और ये एक और मंदिर, खूबसूरत बरगद का पेड़, घर के बाहर सफाई करते हुए लोग। गांव में एक चीज देखिए आप, सिर्फ अपने घर के अंदर नहीं, घर के सामने सड़क को भी साफ करते हैं, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपको अलग से किसी स्वीपर को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही अपने घर के सामने आंगन में और बाहर सड़क तक सफाई करते हैं। ऑलमोस्ट हर घर के सामने आपको कोई ना कोई सफाई करता हुआ दिख जाएगा। अच्छा गांव है, देखिए कितना साफ सुथरा लगता है, एक जगह भी आपको कोई कूड़ा और कचरा नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर जो भी है एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है, स्वीपर आकर उसे उठा कर ले जाता है। तो गार्बेज कलेक्शन यहाँ होगा, पर एक जगह से उठाया और उसको एक डेजिग्नेटेड लोकेशन पे जाकर डाल दिया। मैं हैरान हूँ सड़कें इतनी अच्छी कैसे हैं यहाँ, देखिए किस तरह के घर, लोग उठे हैं घर के बाहर आ गए, सड़क के दोनों तरफ बात करते हुए लोग, और वो पूर
सीखते हुए लोग। वाह, आई एम रियली लाइकिंग दिस प्लेस। चलिए गांव का एरिया ख़त्म, मिलूंगा आपको शहर में। लीजिए मैं पहुंच चुका हूं बड़गांव, और जहां तक मुझे याद है यहां से राइट टर्न लेना है, फिर एक लेफ़्ट आएगा, पर फिर भी एक शॉर्टकट है उसको ढूंढने के लिए मैं गूगल मैप पे एक बार सर्च करने वाला हूं। गूगल मैप का कहना है कि 300 मीटर जा करके आपको रामपुर और बड़गांव देवबंद रोड लेना है। चलिए 300 मीटर सामने मुझे एक बोर्ड नज़र आना शुरू हो चुका है, और गूगल मैप पे हैंड फ्री लगा के मैंने कान पे लगा दिया है। ये लीजिए हो गया टर्न। ओके, तो जितना मैं गांव से आया हूँ ऑलमोस्ट उतना ही इसी रोड पर मुझे सीधे चलते जाना है। रामपुर का एक्चुअल डिस्टेंस 14 किलोमीटर्स दिखा रहा है, पर मुझे 14 में जा करके 8 किलोमीटर बाद जो बाईपास रोड है उस रोड तक पहुंचना है। तो चलिए चलते हैं, ठंडी का मौसम है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर मुझे पसीना आ गया है। तो मैंने एक टी शर्ट और ऊपर ये अपर पहना है, ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कपड़े या लेयर ऐड करूँगा उतना ही पसीना और ज़्यादा आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।